नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में। दोस्तों किसानों को खाते में डाले गए हैं 18,000 करोड़ रुपए। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहे। दोस्तों आपको पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं इसकी आपको जानकारी कैसे प्राप्त करनी है दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में दी हुई है। दोस्तों वीडियो को लास्ट देखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पीएम किसान किसानों के खाते में डाले 18,000 करोड़ रुपए, आपको मिले या नहीं। मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत करीब 8.89 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,793 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने जानकारी दी है। अगर आपको ये पैसा नहीं मिला है तो आपको ये ऑनलाइन चेक करना है कि आपके आवेदन में क्या दिक्कत है। इसके लिए दोस्तों आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर दोस्तों आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर की सहायता से अपना स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं खबर की। लॉकडाउन के दौरान किसानों की छूट, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के चलते देश भर लॉकडाउन जारी है लेकिन केंद्र सरकार ने खेती किसानी से संबंधित कार्य के लिए इससे छूट दी है। साथ ही सरकार कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ भी किसानों को पहुंचा रही है। इसके तहत 24 मार्च से लेकर अब तक पीएम किसान योजना के 8.89 करोड़ लाभार्थियों को खाते में 17,793 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। 1 लाख टन से ज्यादा दाल राज्यों को दी। विभाग ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत घोषित दाल वितरण के लिए करीब 1,07,775.85 टन दाल राज्यों को भेजी गई है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड दाल की खरीद व भंडार करती है। यह कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत देश भर में 19.50 करोड़ परिवारों को दाल वितरण किया जाना है। दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जारी हुआ है आर्थिक पैकेज। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जारी लॉकडाउन के चलते खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों को से निपटने के लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किए हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल और पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज अगले 3 महीने तक देने का ऐलान किया है। दोस्तों अगर आपको अपना स्टेटस देखना है तो आप कैसे देखोगे, इसलिए दोस्तों आप जाओगे पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर। दोस्तों आपको यहां पर जाना है फार्मर कॉर्नर पर और यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको दोस्तों सिंपली बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करके यहां पर अपना आवेदन का स्टेटस देख लेना है। दोस्तों आपके मन में पीएम किसान योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।